बिसरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करखेड़ा के एक परिवार में अंतःकलह के चलते एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के बच्चों सहित नदी में छलांग लगाने की सूचना मिलते ही कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने आनंद फानंद में पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने महिला और बच्चों की घंटों तलाश की, लेकिन तीनों का पता नहीं चल सका। पीलीभीत के सदर थाने के सिविल लाइन पुलिस चौकी के इंचार्ज सुभाष चंद्र लॉकडाउन के दौरान एक राहगीर को पैर से मारते नजर आए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद जिले के SP जयप्रकाश ने सदर के सर्किल ऑफिसर को इसकी जांच करने का आदेश देने के साथ ही दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक निरीक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे वो सड़क पर एक राहगीर को पैर से किक मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की हम लोगों ने सोशल मीडिया से प्राप्त करके इसकी जांच करा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी नगर इसकी जांच कर रहे हैं और इस जांच के आधार पर दोषी उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में पारिवारिक कलह से परेशान एक 60 वर्षीय बुजुर्ग टावर पर चढ़ गया। बुजुर्ग के टावर पर चढ़ने के बाद मौके पर तमाशबीन लोगों की भारी भीड़ छूट गई। वहीं सूचना मिलने पर माधु टांडा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग को समझा बुझा कर नीचे उतारा। नामचीन बिल्डरों में शुमार BPTP ने ग्रेटर फरीदाबाद में बड़े बड़े सब्जी बाग दिखाकर हजारों लोगों को ठग लिया है। आलम यह है कि अपने जीवन भर की जमा पूंजी देने के बाद भी ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रिंसेस पार्क अपार्टमेंट में रहने वाले गुस्साए लोगों ने BPTP की शव यात्रा निकालते हुए BPTP के मुख्य कार्यालय पर पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। अमृतसर के मानावाला में हुई अनोखी शादी में पुलिस के जवानों ने अपना फर्ज निभाया। दरअसल पंजाब में लगे लॉकडाउन के दौरान जहां रिश्तेदार भी सही समय पर शादी में शरीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में ये फर्ज अब पंजाब पुलिस के जवानों ने निभाया और एक गरीब लड़की की शादी में पुलिस के ASI अपने साथियों सहित पहुंचे और गरीब युवती को जरूरत के सामान और आशीर्वाद देकर विदाई दी। नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले जोड़े ने खुशी जाहिर की कि जहां ऐसे मुश्किल के समय में अपने रिश्तेदार नहीं पहुंच पाए, ये फर्ज पुलिस के जवानों ने निभाया। लॉकडाउन के दौरान असीं जिहड़ी कोई राशन की सेवा करते सी, उहदे दौरान असीं आ गरीब धीआं दे जां कुछ जिहड़े गरीब इंसान ने जिन्हां नूं कोई सट चोट लग जाती है वह असी सेवा कर रहे हैं। अज असीं गरीब दा ध्यान अपने गरीब धी का विआह सीगा, आपां उहदे विच शामिल होए। तुहानूं किवें पता चलिया सी इन्हां दे? एक सोशल मीडिया राहीं सानूं पता लग्गिया सीगा। एक गरीब फैमिली आ और 5 धीआं ने ते एक लड़का छोटा उन्हां दा, बहुत ही गरीब ने ते असीं फिर उन्हां तक अप्रोच कीती। चूड़ियां से उदन मामा जी बन के चूड़ियां की रस्म अदा की, अज भी तुम बरात से भी आए हो, कहना चाहते?